रूस की आक्रामकता यूक्रेन के कई शहरों में तबाही की वजह बन रही है। इसीलिए यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फोर्स कब्जा जमाने में कामयाब रही है, लेकिन अब यूक्रेन ने भी अपने जंग का अंदाज बदल दिया है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में सीधे टकराव की स्थिति दिख रही है। ज़ापोरिज़्या के रोबोटाइन क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति है, लेकिन यहाँ बाकी क्षेत्रों से ज्यादा बारूद बरसने लगा है। एक तरफ से रोबोटाइन बारूदी विध्वंस का एपिसेंटर बनता जा रहा है, वहीं इस रिपोर्ट में देखिए बारूदी तबाही के नए केंद्र से आई विध्वंसक तस्वीरों का विश्लेषण। ज़ापोरिज़्या का रोबोटाइन क्षेत्र, जो वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोज़िन की मौत के बाद बारूदी तबाही का एपिसेंटर है, और इसकी वजह है यूक्रेनी फोर्स का शहर से महज 5 किलोमीटर दूर होना। यानी कब्जे की जंग अब विनाश को आमंत्रण दे रही है। दोनों सेनाओं का अंदाज आक्रामक है, क्योंकि इस बार यूक्रेनी फोर्स के जंग का अंदाज बदल चुका है। इस बार यूक्रेनी फोर्स दुश्मन पर हावी होने की कोशिश कर रही है। अपने घातक हथियारों से रोबोटाइन को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराने के लिए विध्वंसक प्रहार यूक्रेनी फोर्स ने शुरू कर दिए हैं। ये हर तस्वीर रोबोटाइन शहर के आसपास की है, जिनके जरिए जंग के इस दौर में जारी होने का अनुमान लगाया जा सकता है। और रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या में कार्यवाहक गवर्नर के तौर पर काबिज ई पालिट्स्की की रिपोर्ट बताती है कि इस विनाशक दौर का आगाज रोबोटाइन से ही शुरू हो रहा है। पालिट्स्की के मुताबिक यूक्रेनी सेना रूस की बनाई सुरक्षा रेखा तक पहुंच गई, लेकिन रूस की कार्रवाई में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ। पिछले कई दिनों से इस मोर्चे पर यूक्रेनी फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है, हालांकि वो अब तक आर्टिलरी के बिना ही आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब यूक्रेनी फोर्स भारी हथियार के साथ आगे बढ़ी है। हालांकि उन्होंने यूक्रेनी टुकड़ी को नष्ट करने की बात भी कही है, लेकिन जिस तरह की आक्रामकता तस्वीरों में नजर आ रही है, उससे लगता नहीं कि रूस को कम नुकसान हुआ। हो सकता है कि यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन रूस को भी इस तबाही में कम नुकसान होने का अनुमान नहीं है। सबूत है ये वीडियो। इस वीडियो में जिस प्लेन को हवा में निशाना बनाया गया है, वो रूस का SU-25 फाइटर जेट है। वीडियो रोबोटाइन की बाहरी सीमा का है, जहां SU-25 ने यूक्रेनी फोर्स को तबाह करने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन खुद यूक्रेनी फोर्स का शिकार हो गया। अब इस वीडियो को देखिए। रोबोटाइन में दाखिल होने के लिए इस बार यूक्रेनी फोर्स ने सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी का न सिर्फ इस्तेमाल किया है, बल्कि सीमा पर तैनात रूसी टुकड़ियों और उनके टैंक्स पर कहर बरपा दिया है। अब इस वीडियो को देखकर आपको हैरानी होगी, यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना को रोबोटाइन से बाहर खदेड़ने के लिए बेहद आक्रामक रुख अपना रही है। जिन घरों में और इलाकों में रूसी सैनिक ठहरे हैं, यूक्रेनी सेना ने उनकी तलाश की, उनकी आर्टिलरीज का पता लगाया और फिर बड़े हमलों से रूसी सैनिकों को दहला दिया। अब ये वीडियो आपको हैरान करेगा, लेकिन सच यही है कि यूक्रेनी फोर्स रूसी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए कामिकाजी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रही है। इस वीडियो में यूक्रेन ने कैसे रूसी सैन्य वाहन को निशाना बनाया, इसे आप देख सकते हैं। और ये हमले सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यूक्रेनी सेना ने उन पोस्ट को भी बारूद से भारी नुकसान पहुंचाया है, जो रोबोटाइन के बाहरी हिस्से में रूसी सैनिकों ने बनाए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा शहर के अंदर तक पहुंचकर रूसी फोर्स को नुकसान पहुंचाने का है, और उस नुकसान के दावे के पुष्टि के लिए यूक्रेन ने इस वीडियो को जारी किया है, जिसे सच माने तो रूस को भारी नुकसान के दावे की पुष्टि होती है। रोबोटाइन को छोड़ने के लिए रूसी सेना करीब करीब मजबूर हो ही गई। सैनिकों के हुए नुकसान को भी देखा जा सकता है। यानी रोबोटाइन इस समय आर पार की जंग का वो मैदान है, जहां यूक्रेन और रूसी सेना पारंपरिक युद्ध लड़ रही, और वो भी सिर्फ कब्जे के लिए। यूक्रेनी फोर्स रूस के कब्जे में आए दक्षिणी हिस्से को निशाना बना रही है, जबकि रूसी फोर्स केंद्र में घुसने के लिए बारूदी बवंडर उठा रही है। दावे के तहत यूक्रेनी हमले के बावजूद रूस रोबोटाइन में मजबूत है। यूक्रेन हमले नाकाम रहे, इसलिए दक्षिणी हिस्सा अब भी रूस के कब्जे में है। यूक्रेन रोबोटाइन को बैकअप रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल के लिए पाना चाहता है, लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन के हर वार को नाकाम किया गया है। दरअसल रोबोटाइन की जंग का कारण सिर्फ प्रिगोज़िन की मौत के बाद बढ़ी रूसी आक्रामकता का जवाब नहीं है, बल्कि इसका कारण है यूक्रेनी फोर्स का क्रीमिया की तरफ बढ़ने का इरादा।
जिसके लिए रोबोटाइन को यूक्रेन बैकअप रिजर्व बनाना चाहता है। इसलिए रूस हर हमले का जवाब दे रहा है। जिसका प्रमाण है रोबोटाइन में ही यूक्रेनी फोर्स को अमेरिका से मिले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की तबाही। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने रोबोटाइन के दक्षिणी हिस्से में घुसने की कोशिश की थी, जिसका जवाब दिया गया है। इस कार्रवाई में अमेरिकी M2 ब्रैडली को रूसी सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से नष्ट कर दिया। इसका मतलब यूक्रेनी सेना का शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर होने का दावा और रूस का यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का दावा दोनों सच है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि इस बारूदी तबाही में रोबोटाइन शहर खाक में तब्दील होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।